ओके मेरी वाली जो भी लॉजिक मैं लिखूंगा इसको बनाने के लिए, जिसने भी इसको हटकर किया हुआ होगा ना, वो मुझे बताएगा कि मैंने इस तरह करा है, ठीक है? क्योंकि इसको बनाने के 3 तरीके हैं वैसे। ठीक सही है, हम आते हैं इस पर, बता देते हैं इसको। लश दिख रहा है सबको और टाइटल में मैंने दे दिया पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल और सही है, H1 दे देंगे। कॉपी पेस्ट सेव करते हैं, इसको रेंडर करते हैं। कॉपी पाथ ठीक है, हमारे पास पीरियोडिक टेबल की हेडिंग आ चुकी है, सही है। और इसको फास्ट बनाते हैं, कोशिश करेंगे कि 20 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर दें। कलरिंग अगर मसला करती है तो कलरिंग पे नहीं जाएंगे। टेबल सबसे पहले ठीक है, उसके बाद वो अपने कितने रॉ बता रहा है हमें, वो बता रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। 10 रॉ नहीं बना रहा मैं राइट नाउ, मैं बना रहा हूँ 2 रॉ। टी आर एक रॉ बनाई मैंने, मैं ये जो लिखा हुआ है ना, छोटे छोटे नंबर्स, ये आपको लिखने हैं, सही है। पहली में मैं बनाऊंगा 2 TD, TD मल्टीप्लाई 2 ठीक है। सबसे पहले आएगा H और उसके बाद एम्प्टी छोड़ा मैंने और इसको मैंने दे दिया फुल स्पान। कितना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 या 18 देंगे? एग्री वाले कौन कौन है, देंगे? हाँ 17 देंगे ठीक है, 17 देंगे, 17 देंगे। ओके टी आर नंबर 2 सही है। और यहाँ पे मैंने एक हेडिंग कमेंट्स लिख लिया, रॉ 1 कॉपी, ताकि मुझे पता चलता रहे कौन सी रॉ मेरी है, किस रॉ पे वर्किंग हो रही है। 2 ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देंगे एच ई सही है। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे या चेंजेस करने की नीड है? ऐसे ही करेंगे एवरीवन, जिस जिसने किया हुआ है ऐसे ही करेंगे। तीसरा 1 2, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। ओके 10 10 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर हो गए, 2 इधर है ठीक है। देखते हैं क्या करना है। रॉ नंबर 3 ठीक रॉ 3 टी आर टी डी मल्टीप्लाई 2 ओके एल आई और बीई एल आई बीई ठीक। और उसके बाद मैंने एक टी डी दिया ठीक है, इसको मैं भी खाली छोड़ रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल स्पान 10 ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 टी डी
मल्टीप्लाई सिक्स, ठीक है, बी सी एन, बी सी एन, ओ एफ एन ई, ओ एफ एन ई, क्लियर है यहां तक? जिसको जो जो अभी तक मैंने किया है क्लियर है? अगर इसको दे दें कोल स्पान के साथ, ठीक है, आप लोगों ने जवाब देना है। मैं रॉ नंबर 3 पे काम कर रहा हूँ। ये हमारे पास हुआ 10, जिसको मैंने दिया है कोल स्पान 10, ठीक है। सेम लाइन, सेम जो रॉ है, कॉपी पेस्ट करके नीचे आ सकती है, जो कि ऐसे ही करना है। लेकिन अगर इधर दे दें रॉ स्पान 1, ठीक है, अब अगर इसको मैं कॉपी करूं रॉ नंबर 4, रॉ नंबर 4, अब इस लाइन की नीड नहीं है। ये सही किया या नहीं किया? हम अंदर का टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। आप लोग मेरे काम को देखकर बताओ कि क्या ये सही किया या नहीं किया। एन ए एम जी, एन ए एम जी, उसके बाद ए आई ए एल एस आई पी एस पी एस सी एल ए आर सी एल ए आर, ठीक है। रॉ नंबर 3 में आते हैं। हमारे पास दो हमने टी डी बनाए, विच इज एल आई एंड बी ई, और उसके बाद हमारे पास 10 का गैप है, जिसमें मैंने एक टी डी दिया, जिसे कोल स्पान मैंने 10 कर दिया, ताकि वो सारा स्पेस लेके चला जाए। और उसके बाद मैंने 6 बना दिए, जिनके पास मेरा डेटा है, विच इज दिस, ठीक है। सेम सिचुएशन नीचे वाली लाइन में अगर करनी है और मुझे इस तरह स्पेस भी चाहिए, तो अगर मैं उसको रॉ स्पान 1 कर दूं, तो मुझे वो लाइन नीचे नहीं देनी पड़ेगी। क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? जिस सिस्टम बना लिया, ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? टू लिख लेते हैं। टू सही है, सेव करते हैं और इसका आउटपुट चलाकर देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। सही है, हमारे पास आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन अब ये बताओ कि वो जो स्पेस है, वो जो नहीं दिख रहा है, वो क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं, जिस जिसने किए हैं बताना होगा कि ये जो मेरे पास मैंने कोल स्पान 10 दिया है, सही है, यहाँ पर 10 दिया था ना आपके सामने, ये रहा, यहाँ जो किया है वो तो वर्क कर रहा है, यहाँ जो दिया है वो क्यों नहीं वर्क कर रहा? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा सवाल किस किस को नहीं समझ आया? सवाल समझ आया सबको कि मैंने क्या बोला है? मेरा सवाल ये है, देखो मैंने यहाँ पे 17 दिया, वो यहाँ से यहाँ तक गैप ले आया, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरे में 17 दिया, हाँ ठीक है, गैप ले आया। अब जब तीसरे में बी ई के बाद मैं कोल स्पान 10 कर रहा हूँ, चलो छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए रॉ स्पान को, जब 10 कर रहा हूँ तो वो गैप तो नहीं लेकर आया, ऐसा क्यों? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ उसको हटा के देख लेते हैं, उसको हटा के देख लेते हैं, ठीक है, इसको हटा के देख लेते हैं। कॉपी किया, सेव किया, सेम आउटपुट है, सही है, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। सेव और रिफ्रेश अगेन,
अगेन सेम आउटपुट आ रहा है। एरर इस वजह से आ रहा है, एरर तो नहीं आ रहा जब तक नीचे वाले किसी रो में उसको उतना डेटा नहीं मिलेगा ना, तब तक आपके कॉल स्पान में जितनी वैल्यू रखी हुई होगी वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, मैंने उसको जो 10 दिया हुआ है उसको नीचे वाली रो में उतना डेटा मिला ही नहीं, तो जिसकी वजह से उसने स्पेस नहीं दिया। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं और उसको देखते हैं इस वाली लाइन को करके, उसके बाद ये जो कॉल स्पान है ये वर्क करना चाहिए। रॉ नंबर 5 कॉपी किया, तो हम थोड़ा सा जो है जूम इन कर देते हैं, प्लस प्लस लेंथ। रॉ नंबर 5 TR 18 TR मल्टीप्लाई 18 नॉट TR TD मल्टीप्लाई 18 सही है। KCASCTI SCTI VCRMN PCRMN FECO FECO NICU NI U, ZNGA, ZNGA, GEAS, GEAS, SEBR, SEBR, KR, KR और शिफ्ट टैब सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश, बिल्कुल सही हमारा आउटपुट लेकर आ रहा है। तो सवाल करने का ये मतलब ये था कि जब तक आपने किसी जगह पर कोई कॉल स्पान दिया हुआ होगा और उतना डेटा आपकी, डेटा मतलब ये जो चीजें लिखी हुई हैं LIBE, इसको मैं डेटा बोलता हूँ और इसको डेटा ही बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसको डेटा क्यों बोलते हैं। ठीक है, इतना डेटा अगर आपको आगे नहीं मिलेगा तो वो स्पेस कवर नहीं करेगा। क्लियर है ये वाली बात सबको? ओके, जरा इन दो लाइनों को देख लेते हैं। सही है, मैंने यहाँ भी कॉल स्पान 10 किया हुआ है ना, इसको असल में हटाते हैं और इधर करते हैं रॉ स्पान 1। क्या ये वर्क करेगा? अगर किसी ने करके देखा हो तो आपको अगर वर्टिकल में नीचे स्पेस चाहिए, ठीक है, मैंने इसको 1 दिया तो क्या ये वर्क करेगा? सेव किया, वापस आते हैं, नहीं वर्क करे। ठीक है, 2 लगाएं तो सेव किया, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपको जो खेलना वो सिखा रहा है कॉल स्पान और रॉ स्पान से खेलना सिखा रहा है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इसकी अब नीड नहीं है। ठीक है, और अब जो है जितना है वो बनना चाहिए, जिस चीज से नहीं हुआ अब बन जाएगा। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। लाइंस वगैरह का इतना मसला नहीं है, लेकिन चलो हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं। बॉर्डर 1 लाइंस क्या मसला कर रहे हैं? ये जो ये हट नहीं रही है, नहीं इनको हटाना नहीं है। 1 मिनट, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 सेव और डार्क हो गया है 1, नहीं लाइंस का मसला नहीं है। ठीक है, लाइंस जैसी मर्जी आ रही हूँ वो आप जाने दो, आपको फंक्शनैलिटी समझ आनी चाहिए किसकी,
कोल स्पान की और रॉ स्पान की। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। सेव किया और वापस। फॉर्म्स FORMS, डेस्क डॉट एच। LEAR लर्निंग फॉर्म्स। H1 सही है। सेव करते हैं, वापस आते हैं। टी और पी, ठीक, आते हैं बुक पर, पेज नंबर 150। सही, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर्म्स, ठीक है। गूगल खोल लेते हैं और यूट्यूब खोल लेते हैं। सही है, आपके पास एक फॉर्म फील्ड है गूगल के पेज पर, गूगल की स्क्रीन पर, जिस पे आप जो भी लिखोगे वो आपको लाकर दे रहा है, ठीक है। ये एक फॉर्म फील्ड है जिस पे आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो आपको बता रहा है कि भाई आपने क्या सर्च करना है, कैसे सर्च करना है। यूट्यूब पे अगर आए वहां भी आपके पास फॉर्म फील्ड है, ठीक है। तो इस तरह का कोई फॉर्म किस तरह बनाए, ठीक है, और वो वर्क कर क्या, वो जो वर्क करता है एंटर मारने पर, अगर मैं इधर ये लिख दूं, और वो जो डेटा ला रहा है वो किस तरह ला रहा है, ये तो नहीं हम अभी देखेंगे, लेकिन हम इसको समझते हैं कि ये काम किस तरह करता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्म बनाते किस तरह है। सबसे पहले वो कुछ आपको मेन कीज बता रहा है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर या यूजर, किसी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो या यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स, फॉर्म बनाने के डिफरेंट तरीके क्या क्या हैं, ठीक है। न्यू HTML फॉर्म कंट्रोल्स, कुछ न्यू एडिशन आएंगे, न्यू फीचर्स आए हैं, वो ये बताएगा हमें, ठीक है। यहाँ वो क्या बता रहा है, हाउ टू क्रिएट फॉर्म ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। डिफरेंट टूल्स फॉर कलेक्टिंग डेटा, ओके। नीचे आते हैं और लास्ट में वो हमें कुछ इस तरह का बनाने को देगा जो कि हम बनाएंगे, सही है, इससे अच्छा ही बनाएंगे, ठीक है। वाई फॉर्म्स, वो खुद बता रहा है कि भाई अगर आप गूगल के पास जाओ तो वो तो खुद एक फॉर्म है, वो आपसे बोल रहा है कि डेटा डेटा पुट करो मेरे पास, मेरे पास जो आउटपुट होगा मैं वो आपको लाकर दे दूंगा, ठीक है। ये आपके पास एक फॉर्म फील्ड है जो कि गूगल की बहुत बेसिक सी फॉर्म फील्ड है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। आपके पास फॉर्म फील्ड्स कितने टाइप की हो सकती हैं? सबसे पहले अगर हम ये गूगल की बात करें तो ये एक नॉर्मल फॉर्म फील्ड है जिसके अंदर आप जो लिख रहे हो वो आपको वैसे ही लिखने दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपको अगर चाहिए किस तरह की फॉर्म फील्ड, पासवर्ड वाली फॉर्म फील्ड के भाई, जैसे ईमेल पासवर्ड से हम रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है, वो करना होगा तो क्या लिखेंगे। फिर आपके पास एक फेसबुक वाली टाइप की, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म की ऐसा कोई एरिया हो जहां पर आपको कमेंट्स करना हो बड़ा, तो ऐसी अगर कोई बड़ी फॉर्म फील्ड बनानी हो कमेंट्स टाइप की, फॉर लॉन्गर एरियाज ऑफ टेक्स्ट सच एज मैसेजेस एंड कमेंट्स, ठीक है।
तो जो है ये क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। और रेडियो बटन्स भी फॉर्म का हिस्सा है, वो कैसे बनाएंगे ये भी हम देखेंगे। चेक बॉक्सेस वो बता रहा है, चेक बॉक्सेस कैसे बनते हैं फॉर्म से वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ड्रॉप डाउन वो बता रहा है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि ये सारी हमारी फॉर्म से मिलती जुलती चीजें हैं। बटन कैसे बनाते हैं, बटन क्लिक पे क्या होता है वो भी देखेंगे। और फिर आपके पास एक होता है फाइल अपलोड फॉर्म में, ठीक है। क्लिक करने पे जो आप फाइल अपलोड कर रहे होते हो वो कैसे करेंगे, ठीक है। हाउ फॉर्म वर्क्स, सही है। ये हमारा बहुत आगे का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इसकी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। कंप्यूटर साइंस वाला कौन कौन बैठा हुआ है, कौन से सेमेस्टर में? फर्स्ट ईयर में? नहीं, BScS वाला। कंप्यूटर साइंस वाला कोई नहीं अभी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कह रहा है, लेकिन ये हमारे बहुत आगे का हिस्सा है, आगे का टॉपिक है, और ये हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, और ऐसा करके देखेंगे जैसा ये कह रहा है, ठीक है। अगर किसी से आप कोई ऐसा नाम सुनो क्या कि डेटा किसी डेटाबेस से आ रहा है, एक चीज ये, या डेटा किसी क्लाउड से आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट पर किसी जगह पर रखी हुई है, सही है। डेटा या इंफॉर्मेशन किसी इंटरनेट की जगह पर रखी हुई है, क्या मतलब? ये आपके पास एक बहुत बड़ी इनपुट फील्ड है, जो कि गूगल के सेम गूगल वाले इनपुट फील्ड है, इसको बोल दो या फिर इसको बोल दो, ठीक है, एक ही चीज है। मैं यहाँ पर खाली अपना नेम पुट करता हूँ, SHAH, सही है, और एंटर मारा तो वो डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा लेकर आ रहा है मेरा वाला। कैसे ला रहा है, उसको कैसे पता कि मैंने यही लिखा तो वो यही डेटा लाकर देना है, ठीक है। कोई और नाम अगर हम लिखें, कस्टम पब्लिक स्कूल, ठीक है, तो वो उससे रेलेवेंट डेटा लेकर आ रहा है, ठीक है। आपके पास तमाम डेटा किसी न किसी जगह पर सेव होता है, ठीक है, जो भी आपने फॉर्म के जरिए से मंगवाना होता है, ठीक है। तो ये हमारा आगे का टॉपिक है, इसको हम रीड करेंगे बाद में। मैंने बताने का मकसद ये है कि जो भी आप फॉर्म में कभी भी यूज इसलिए करोगे कि फॉर्म का डेटा जब भी कहीं से मंगवाना होता है उसके लिए आपके पास डेटा पहले से अवेलेबल होता है, जो कि आपने ही बनाया हुआ होता है, सही है। हम इसको रीड करेंगे, क्या बता रहा है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द सर्वर प्रोसेस द इंफॉर्मेशन यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज PHP, C#, .NET और जावा, ऑल्सो स्टोर इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस, सही है। वापस आते हैं, रिस्पॉन्स आ गया, ये आ गया, ठीक है, ओके। वापस आते हैं, फॉर्म का वर्ड करने बता रहा है, हम खुद करके देखते हैं। आपको जब भी फॉर्म बनाना होगा उसके लिए आपके पास जो बेसिक टैग होगा सबसे पहले वो होगा फॉर्म, FORM, सही है। इस पे वैसे तो बुक में वो दो एट्रीब्यूट्स बता रहा है, जिनमें से एक एक्शन है और एक मेथड है, हम दोनों यूज नहीं करेंगे, हम दोनों यूज नहीं करेंगे। हमने सिर्फ फॉर्म का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बना लिया, क्योंकि हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं HTML में। जब भी HTML में फॉर्म क्रिएट होगा आपको फॉर्म का टैग लगाना होगा, सही है, ओके। इसके अंदर मैं आ गया और इसके अंदर मैंने लिखा, एक P का टैग बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैंने लिख दिया एंटर योर नेम, सही है। अब मुझे बनाना है एक फॉर्म जिसमें मैं अपना नाम लिख सकूं, वो कैसे बनाएंगे? आपने अभी तक दो किस्म के टैग्स पढ़े हैं, एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग विच इज P, सही है, और एक सेल्फ क्लोजिंग टैग जो कि इमेज का है, IMG BR HR, ठीक है। आपके पास इनपुट को बनाने के लिए जो टैग अवेलेबल है विच इज सेल्फ क्लोजिंग टैग एंड नेम इज इनपुट स्लैश, और इसको नाम मैंने दे दिया इनपुट। ये आपके पास एक इनपुट का टैग है, इसके पास मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स होंगे
जिसको आप यूज करोगे, ठीक है। कुछ मैंडेटरी होंगे, कुछ आपके ऑप्शनल होंगे। सबसे पहला आपके पास जो एट्रीब्यूट होता है वो है टाइप। टाइप का क्या मकसद है कि आपका जो फॉर्म है वो किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ये जो गूगल का फॉर्म है ये सिंपल फॉर्म है, इसका इसका टाइप है टेक्स्ट, ठीक है। मैंने बोला आपका जो टाइप होगा वो होगा टेक्स्ट, सही है, ओके। अब इसको हम सेव करते हैं और चला कर देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। सेव किया मैंने और वापस आता हूं, प्लस प्लस रिफ्रेश। उसने मुझे एक फॉर्म बनाकर दे दिया, सही है, जिसपे अब अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो वो उसमें लिखा हुआ आ रहा है, सही है, ओके। और क्या बता रहा है? लव यू अपलोड, ओके, सही है, ठीक है। टेक्स्ट इनपुट, ओके। हम देख लेते हैं, इन्होंने कुछ एट्रीब्यूट्स बताए हैं, साइज का, मैक्स लेंथ का और यूजर नेम का, ठीक है। इसको लगाकर देख लेते हैं। मैंने लगाया मैक्स लेंथ, ठीक है। मैक्स लेंथ स्टैंड फॉर मैक्स, आपका जो इनपुट में जो भी डेटा पुट करेगा, जो भी लिखेगा, उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 10, ठीक है। सेव करते हैं और वहां पर जाके देखते हैं। रिफ्रेश किया, AHMED, AHMED। डी के बाद अगर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूं तो नहीं आ रहा। आपको कुछ इस तरह की वैलिडेशन लगानी हो कि भाई यूजर इससे ज्यादा डिजिट्स ना लिख सके, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? मैक्स लें, ठीक है। और ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये यूज नहीं होता, हम इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम चलाकर देख लेते हैं। साइज, ठीक है, साइज, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी 5। सेव किया और रिफ्रेश करा। साइज स्टैंड फॉर कि आपके इनपुट का क्या साइज होना चाहिए, ठीक है। साइज को हम इससे कंट्रोल नहीं करेंगे, हम बाद में कंट्रोल करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइज क्या कर रहा है, AHMED। हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक और इसने एक और एट्रीब्यूट बताया हुआ है नेम का, ठीक है। नेम एक किस्म का ऐसा एट्रीब्यूट है जो एक किस्म के आपका जो फॉर्म है उसकी आइडेंटिटी मांग रहा है कि ये जो आपका फॉर्म है ये किस चीज का फॉर्म है, ठीक है। मैंने इसको दे दिया नेम और इसमें मैंने दे दिया कि भाई इसकी जो आइडेंटिटी है ना वो है यूजर नेम। इसमें जो भी आएगा वो किसी ना किसी चीज का नेम आएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, एक एक चीज इसमें नहीं बताई भी, वो मैं बता देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जब भी पेज रेंडर हो या रिफ्रेश हो या जब भी कुछ ना लिखा हुआ हो, वो जो किसी न किसी फॉर्म में हल्का सा कुछ टेक्स्ट लिखा आ रहा होता है वो कैसे दिखाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपके पास एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर, ठीक है। और मैं इसमें एक डमी नेम लिख देता हूँ ताकि जब किसी को पहचानने में मसला ना हो, जॉन स्मिथ, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव, और वापस आता हूँ। तो अब मेरे पास फॉर्म में अगर आप गौर से देखो तो एक हल्का सा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, जब तक अगर मैं नहीं लिख रहा तब तक वो टेक्स्ट अवेलेबल है, ठीक है। ये आपका जो काम हो रहा है ये प्लेस होल्डर से हो रहा है। इतना क्लियर है जितना मैंने बताया है? एक दफा फॉर्म के टैग को देख लो और मुझे बताओ। टाइप, आपको सबसे पहले बताना होगा आपके फॉर्म का टाइप क्या है, टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। मैक्स लेंथ नंबर 2, आपको अगर डिफाइन करनी हो कि मेरे जो इनपुट है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। नंबर 3, नेम, यानी कि आपके जो इनपुट फील्ड है, आपका जो फॉर्म की फील्ड है उसकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए कि भाई ये फॉर्म इससे रिलेटेड है, इसमें यूजर नेम ही आएगा, ठीक। नंबर 4, प्लेस होल्डर, ठीक है, जिसमें आपने बता दिया कि भाई ETC इससे रिलेटेड डेटा यहाँ पर आना चाहिए। मैंने एक डमी नेम यहाँ पे डाल दिया ताकि यूजर को पता हो कि हाँ भाई क्या लिखना है, सही है। एक और फॉर्म बनाकर देखते हैं, ठीक है। मैंने P लिख दिया, सही है, और यहाँ पे लिख दिया एंटर योर नंबर, ठीक है।
एंटर योर नंबर। स्लैश इनपुट, ठीक है। अच्छा अब मैंने इसको बताया, वो बोल रहा है भाई टाइप, मैंने बोला भाई अब मेरे पास आने वाला है नंबर। मैं नहीं चाहता कि यूजर जो है कोई अल्फाबेट टाइप करे, ठीक है। मैंने इसको टाइप में बता दिया नंबर, ताकि किसी किस्म का कैरेक्टर और कोई स्पेस वगैरह वो ना लिख सके, ठीक है। मैक्स लेंथ, हमारे पाकिस्तानी जो नंबर्स होते हैं उनकी मैक्स लेंथ होती है 11, 11 से ज्यादा ना हो, ठीक है। नेम में मैंने इसको बता दिया, इसकी आइडेंटिटी है कॉन्टेक्ट नंबर। आपके फॉर्म की जो भी आइडेंटिटी होगी आप नेम में वो बता दोगे, ठीक है। और प्लेस होल्डर में मैंने इसको लिख दिया कि हमारे जो इनिशियल्स हैं वो शुरू होते हैं 03, और उसके बाद आप लिखो 9, लिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 03 मैंडेटरी है। और उसके बाद मैंने स्टार करके लगा दिया ताकि यूजर को पता चले कि हाँ भाई यहाँ पे कोई ना कोई नंबर लिखना है, ठीक है। सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं। मैंने रिफ्रेश करा तो एंटर योर नंबर के बाद से मेरे पास, जब मैं उस पे माउस लेकर जा रहा हूँ तो वो कुछ एरो लेकर आ रहा है, बिकॉज क्योंकि उसको पता है कि भाई यहाँ पर नंबर लिखा जाएगा। मैं आपके सामने कीबोर्ड पे जो भी टाइप कर रहा हूँ वो वहां पर नहीं दिखा रहा है, सही है। लेकिन अगर मैं 1 2 3 लिखूं तो वहां पर बता रहे 4 5 6 7 8 9, सही है। और ये क्या कर रहा है, सही है। आप इस तरह भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। और इस तरह माइनस में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फॉर्म, एक टेक्स्ट का और एक नंबर का, ठीक है। वापस आते हैं, क्या कह रहे हैं बुक में, टाइप टेक्स्ट हो गया, नेम हो गया, सही है, साइज सही है। द साइज एट्रीब्यूट शुड नॉट बी यूज्ड इन अ न्यू फॉर्म्स, ऑन न्यू फॉर्म्स, ठीक है। तभी मैंने इसको आपको मना भी किया कि भाई हम इसको यूज नहीं करेंगे। इट वॉज यूज इन ओल्डर फॉर्म्स टू इंडिकेट द विड्थ ऑफ द टेक्स्ट इनपुट, सही है। वापस आते हैं, पासवर्ड इनपुट, पासवर्ड के लिए क्या करेंगे, ठीक है। माइनस पी, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। इनपुट हमारे पर टेक्स्ट आ गया, सेल्फ क्लोज, और यहां पर मैंने इसको बता दिया पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर मैं और कोई नेम में भी बता देता हूँ कि भाई आइडेंटिटी आपकी पासवर्ड है, ठीक है। और उसके बाद मैंने प्लेस होल्डर में लिख दिया स्टार 1 2 3 4 5 6, ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव किया और रिफ्रेश किया। अब मैं नीचे आता हूँ, पासवर्ड आ रहा है, एंटर योर पासवर्ड ABC 123, बिल्कुल वो उसको एज अ ट्रीट कर रहा है पासवर्ड की तरह। क्लियर है सबको, किसी को कोई मसला तो नहीं है, क्लियर सबको। टेक्स्ट एरिया, सही है। पी, एंटर योर योर पासवर्ड, एंटर योर फीडबैक, ठीक है। अपना फीडबैक दीजिए। आपको जब मोर देन वन लाइन का फॉर्म बनाना है, आपको कमेंट्स टाइप का ऐसा कोई फॉर्म बनाना है, तो उसके लिए आप इनपुट को यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे टेक्स्ट एरिया, सही है। इसने वो काफी सारी चीजें लाकर दे दी हैं, उनको मैं चलो शुरू दोबारा से खुद बना के दिखाता हूँ। टेक्स्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे जो भी आपके कमेंट्स की वैल्यू आएगी, सही है। टाइप आपको बताना होगा, सबसे पहले टाइप
इक्वल टू टेक्स्ट, कि भाई जो वैल्यू आने वाली है वो टेक्स्ट वैल्यू ही है, ठीक है। उसके बाद नेम, ठीक है, नेम में मैंने इसको बता दिया यहाँ पर आने वाले हैं कमेंट्स, COMMENT, ठीक है। पहले सेव करते हैं और जाकर देखते हैं एक मसला आएगा, अगर वो मसला आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। उसने आपको एक वो बनाकर दे दिया फीडबैक का डब्बा बड़ा सा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, टेबल में जो हमारे पास इस तरह का डेटा होता है हॉरिजॉन्टल, यूं बात करें उसको क्या बोलेंगे, रॉ, सही है, और इस तरह के डेटा को कॉलम्स। हमारे पास टेक्स्ट एरिया में आपके पास एट्रीब्यूट होता है रॉज का, कितनी रॉज रखनी है, मैंने बोला 5, ठीक है। सेव करते हैं और अब वापस आकर देखते हैं आपका, अब जो डब्बा है वो 5 रॉज से मिलता जुलता है, एक रॉ कंसिडर होगी इतनी, सही है। इसको अगर 5 करें तो ये 5 बनेंगे, ठीक है। अब मुझे कंट्रोल करना है इसको कि भाई कॉलम्स भी मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक हो, कॉल्स स्टैंड फॉर कॉलम्स, कितने कॉलम्स रखने हैं, मैंने बोला 6। सेव किया और रिफ्रेश किया तो अब वो मुझे 6 बता रहा है, जो कि बहुत ही बुरे लग रहे हैं। हम इसको कर देते हैं 10। सेव, रिफ्रेश, ठीक है, अभी भी कुछ खास बहुत अच्छा नहीं है, 20 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक कमेंट्स बॉक्स तैयार है और वापस आते हैं, प्लेस होल्डर में लिख देते हैं राइट योर, यही लिख देते हैं ये जो इधर लिखा हो। योर फीडबैक, ठीक है, सेव किया और नहीं लिखा आ रहा, ठीक है। तो आप ऐसा करोगे, अगर प्लेस होल्डर वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसके अंदर आपने लिख दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो वो आपको कुछ इस तरीके का बता रहा है, ठीक है। ओके, आप लोग अपने अपना सिस्टम ऑन करो और इन फॉर्म्स को अपने पास चला कर देखो, ठीक है। सिस्टम ऑन करो, मैं आता हूँ। और क्या, चल नहीं रहा,